देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक AEW का ऑल इन पेपर व्यू नहीं देखा है तो गाइज मैं तुम लोग को बता दूं, आज वेम्बले स्टेडियम में AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें ऑर्गुली रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट कॉफिन मैच देखने को मिला, जहां पर वेम्बले स्टेडियम में AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर स्टिंग और डार्बी एलन, क्रिश्चियन केज और स्वर्व स्टिकलैंड को कॉफिन मैच के अंदर फेस करते गए। और गाइज क्योंकि ये मैच कॉफिन मैच होता है तो गाइज इसीलिए आज इस मैच के अंदर टाइम टू टाइम काफी सारे रेसलर कॉफिन पर अटैक करते गए। बट गाइस यहां पर आज इस पूरे मैच के अंदर मुझे यहां पर जिस रेसलर की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बढ़िया लगी वो और कोई नहीं बल्कि दी आइकॉन स्टिंग है, क्योंकि गाइस स्टिंग के 63 साल के होने के बाद भी जिस तरीके से इस मैच के अंदर आज ऑल इन पेपर व्यू पर स्टिंग परफॉर्म कर रहे थे वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि गाइस इस मैच के अंदर एक टाइम पर स्टिंग स्वर्व स्टिकलैंड के ऊपर रिंग साइड एरिया पर टेबल पर जंप करते गए, जिसके बाद की टेबल नहीं टूटता है तो गाइस यही विस्टिंग यहां पर दोबारा से रिंग में जाके रिंग के अंदर से स्वर्व स्टिकलैंड के ऊपर जबरदस्त बॉडी स्प्लैश यूज करते गए। और गाइस यहां पर दो दो बार बॉडी स्प्लैश हिट करने के बाद फाइनली वो टेबल टूट जाता है। और गाइस यहां पर इस मैच के अंदर स्टिंग स्वर्व स्टिकलैंड के ऊपर हमें यहां पर कॉफिन के ऊपर एक जबरदस्त स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगाते हुए दिखाई देते गए। तो गाइस वही मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हमें क्रिश्चियन केज और स्वर्व स्टिकलैंड स्टिंग को बुरी तरह से बीट डाउन करके कॉफिन के अंदर डालते हुए दिखाई देते गए। और गाइस लगता है कि ये मैच बिल्कुल ओवर हो चुका है, तभी यहां पर स्टिंग उनके बेसबॉल बैट के जरिए कॉफिन को खोल देते गए। और गाइस इसके बाद स्टिंग स्वर्व स्टिकलैंड के ऊपर बैक टू बैक कॉफिन के ऊपर एक और स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगाते गए, जिसके बाद कि वेम्बले स्टेडियम के अंदर स्वर्व स्टिकलैंड को फाइनली डार्बी एलन और स्टिंग कॉफिन के अंदर बंद कर देते गए। और गाइस ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग और डार्बी को सॉलिड विक्ट्री मिलती गई।